कहानी ये कहते हैं कि एक लकड़ी काटने वाले की कुल्हाड़ी जल में गिर गई थी, पानी में, तालाब में। तो उसने प्रार्थना की, जल देवता मेरी कुल्हाड़ी दे दो मुझे निकाल कर। जल देवता प्रकट हो गए और उन्होंने बढ़िया सोने की कुल्हाड़ी निकाली। कहा, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? इस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये मेरी नहीं है। तो जल देवता दूसरी बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आते, कहा ये तुम्हारी है? बोले ये भी मेरी नहीं। तीसरी बार में लोहे की कुल्हाड़ी लाते और कहते हैं ये तुम्हारी है? इसने कहा हाँ ये कुल्हाड़ी मेरी है। जल देवता बड़े प्रसन्न हुए, कितना सत्यवादी है व्यक्ति, सोना चांदी सब दिखा लिया पर फिर भी इसने ईमान नहीं दिखाया। तो प्रसन्न हो गए जल देवता और तीनों कुल्हाड़ी दे दी, ये सोने की, चांदी की और लोहे की, तीनों कुल्हाड़ी दे दी, जाओ तुम बड़े अच्छे व्यक्ति। ये आ गया। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि आपस में पति पत्नी में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और पत्नी गुस्से में आई और इसी तालाब में कूद पड़ी। अब गुस्से में माताएं बस यही करती हैं कई बार, तो ये ठीक बात नहीं। वहां तो जल देवता थे निकालने के लिए, तो ये दौड़ करके आई और कूद गई। ये पीछे पीछे भागा बेचारा, इसने फिर हाथ जोड़े, हे जल देवता मेरी पत्नी गिर गई है, उसको निकाल दो। अब जल देवता ने पहली बार में इतनी सुंदर सी, एकदम स्वर्ग के जैसी अप्सरा, ऐसी सुंदर सी स्त्री निकाली और कहा कि ये तुम्हारी है। इसने देखा और देखते ही कहा कि हाँ यही मेरी है। जल देवता ने कहा कि ये तो तुम्हारी नहीं, तुमने चांदी पर सोने पर अपना ईमान नहीं डिगाया, हर स्त्री के लिए ईमान डिगा रहे हो। इस व्यक्ति ने कहा, प्रभु बात ईमान की नहीं है यहाँ, तो बात क्या है? बोले पहले कुल्हाड़ी गिरी थी तो आपने पहली बार में सोने की निकाली, मैंने कहा नहीं है। दूसरी बार में चांदी की निकाली, मैंने कहा नहीं है। तीसरी बार में मेरी निकाली, मैंने कहा ये मेरी है। आपने प्रसन्न होकर तीनों कुल्हाड़ी मुझे दी और कहा ले जाओ। इस बार आपने ये सुंदर सी स्त्री निकाली है, आप, मैं कहूँगा कि ये मेरी नहीं है। दोबारा में दूसरी निकालोगे, थोड़ी कम सुंदर, कहूँगा कि नहीं ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार में मेरी वाली पत्नी निकाल कर लेकर आओगे, मैं कहूँगा ये मेरी है। और आप इस बार भी प्रसन्न हो गए और तीनों ही पकड़ा दी तो मुश्किल हो जाएगी। अब एक तो इतना दौड़ा रही है, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि वैसे ही परेशान हूँ उससे, तो यही ठीक है।